मुझे ना खाने के साथ अगर हरी मिर्ची ना मिले तो बिल्कुल मजा नहीं आता। आपको पता है हरी मिर्ची में बहुत सारा विटामिन सी होता है, जैसे नींबू और संतरे में होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें विटामिन सी खाना भी चाहिए और स्किन पर भी लगाना चाहिए। और क्या आपको ये पता है कि विटामिन सी वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है और एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिससे चेहरा ब्राइट हो जाए, स्किन की डलनेस चली जाए, हाइपरपिगमेंटेशन कम हो जाए, दाग धब्बे हट जाएं। तो चलिए देखते हैं मेरी नाइट रूटीन। मैं जो विटामिन सी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आप भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारी स्किन को सन डैमेज से और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है। तो मैं ये विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करती हूँ, आईग्लो VC20। ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम है और बेस्ट विटामिन सी सीरम है। ये बिल्कुल नॉन ग्रीजी है और एकदम स्किन के अंदर तक चला जाता है। Now I'll wash my face. Rose water. ये स्किन को रिजुविनेट करता है, रिंकल्स प्रिवेंट करता है और बहुत ही स्मूथ और यूथफुल अपीयरेंस देता है। बिल्कुल नॉन ग्रीजी है, डीपली चला जाता है स्किन के अंदर। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज कीजिए, पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगाइए। बस एक बात का ध्यान रहे, ये आंखों के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करती हूँ, सबकी स्किन अलग होती है, अलग तरह से रिएक्ट करती है, इसलिए पैच टेस्ट या एलर्जी टेस्ट इसे इस्तेमाल करने से पहले जरूर कीजिए। Leave it for 24 hours. अगर कुछ भी इरिटेशन या रेडनेस हो तो इसे इस्तेमाल मत कीजिए। हमारी जो बॉडी है वो मैक्सिमम 20% विटामिन सी अब्सॉर्ब कर सकती है, और ये जो सीरम है आईग्लो VC20 विटामिन सी सीरम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 20% है। इसे आप भी ट्राई कर सकती हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram.